इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो एक बार उसे जाकर जरूर देख लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां पर हमने देखा था कि जुइंग और रॉय के बीच फाइट चल रही थी। रॉय जुइंग से कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल हो, मैंने तो तुम्हारे बारे में ये भी सुना है कि तुमने डीमन गॉड ऑफ डार्कनेस को भागने पर मजबूर कर दिया था, और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर आज मार देता हूँ तो डीमन गॉड तुम्हें मारने के लिए जरूर मुझे कोई कीमती तोहफा देंगे। जुइंग कहता है कि अपनी फालतू की बकवास बंद कर और मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद रॉय अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर लेता है, साथ ही साथ कहता है कि तुम मेरे सामने बस एक चींटी के बराबर हो, अगर यहाँ एक डेमी गॉड लेवल का वॉरियर भी आ जाता तो भी वो मुझे नहीं हरा पाता, और फिर जुइंग पर अटैक कर देता है। जुइंग अपने स्पेयर से रॉय को रोकने की कोशिश करता है, रॉय को रोकने में जुइंग को बहुत परेशानी होने लगती है, तो जुइंग अपने वाटर ड्रैगन, फायर ड्रैगन, विंड ड्रैगन और अर्थ ड्रैगन से वुलोंग पर अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है। रॉय कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल, तुम एक साथ फोर एलिमेंट की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ जब वो जुइंग के पास सेकंड रैंक की ट्रू मीनिंग को देखता है तो और भी हैरान होते हुए कहता है कि तुम बस एक ट्रांसेंडेंट वॉरियर हो, आखिर तुम्हारे पास सेकंड रैंक की ट्रू मीनिंग कैसे हो सकती है। तभी जुइंग रॉय पर अपनी ट्रू मीनिंग की पावर से अटैक कर देता है और रॉय सीधा जाकर दीवार से टकराता है। इसके बाद जुइंग तेजी से रॉय की सींग को तोड़ने के लिए जाता है, पर तभी यहाँ पर वो लड़का आकर रॉय को बचा लेता है। इसके बाद उसके साथ वाली लड़की भी यहाँ पर आ जाती है और जुइंग से कहती है कि तुमने रॉय के साथ बहुत खेल लिया, तुम्हारे साथ खेलने की हमारी बारी है। जुइंग उस पर अटैक करता है पर वो यहाँ वहाँ टेलीपोर्ट होकर बच रही थी। जुइंग पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। इसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम जरूर डोंगबो जुइंग होगे, और फिर बताता है कि हमें यहाँ टाइम स्पेस टेम्पल द्वारा रॉय को बचाने के लिए भेजा गया है। रॉय कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जुइंग सोचता है कि मैंने टाइम और स्पेस टेम्पल के बारे में सुना है, ये टेम्पल कुछ ताकतवर लोगों को मिशन देते हैं और अगर उनके द्वारा दिया गया मिशन पूरा किया गया तो उन लोगों को रिवॉर्ड दिया जाता है, पर टाइम और स्पेस टेम्पल द्वारा दिया गया मिशन पूरा ना हुआ तो वो उन्हें सजा भी देते हैं। इस लड़के का नाम वैंग है। वैंग रॉय से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें हमारी मदद चाहिए या फिर नहीं चाहिए, पर हमें तुम्हें बचाने का मिशन दिया गया है और हम उसे पूरा करेंगे। इसके बाद वो जुइंग पर अटैक करता है, लेकिन जुइंग उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद वैंग कहता है कि तुम काफी ताकतवर हो, इसलिए मुझे अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे साथ लड़ना पड़ेगा, और इसके बाद वो जुइंग पर एक पावरफुल अटैक करता है। जुइंग ये कर हैरान हो जाता है कि इस बंदे के पास भी सेकंड रैंक की ट्रू मीनिंग है, लेकिन जुइंग और वैंग के पास अलग अलग तरह की ट्रू मीनिंग है। जुइंग के चारों तरफ कलरफुल गैस फैल जाती है। वैंग कहता है कि जुइंग मेरे जाल में फंस गया। इसके बाद दोनों जुइंग पर अटैक करते हैं। जुइंग उनके अटैक को डॉज करते हुए साथ ही साथ उन पर भी अटैक कर रहा था, पर वो दोनों जुइंग के अटैक करते ही यहाँ वहाँ गायब होकर जुइंग के पीछे से उस पर हमला कर देते हैं। जुइंग कहता है कि ये लोग अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए मुझ पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद वैंग जुइंग पर अपनी शॉट से कई सारे अटैक करता है, पर जुइंग वैंग के सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन तभी वो कलरफुल गैस जुइंग के शरीर के अंदर जाने लगती है। जुइंग को समझ नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इतने में वैंग जुइंग पर अटैक करने आता है, तो जुइंग भी अपने स्पेयर से वैंग पर अटैक करता है और यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, पर इस अटैक से किसी को भी चोट नहीं पहुँचती है। जुइंग कहता है कि मेरे इतने पावरफुल अटैक से भी ये कैसे बच सकता है। तभी वैंग दोबारा से जुइंग पर अटैक करता है। जुइंग एक शील्ड बनाकर वैंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर जुइंग की शील्ड टूट जाती है और वैंग का अटैक सीधा जुइंग को जाकर लगता है, जिसकी वजह से जुइंग के हाथ में जो कम्युनिकेशन ब्रेसलेट होता है वो नीचे गिरने लगता है। उस ब्रेसलेट से यूजिन की आवाज आती है। यूजिन कहती है कि जुइंग मेरी जान खतरे में, जल्दी से मेरे पास आकर मुझे बचाओ। तभी वैंग जुइंग पर दोबारा से हमला करता है, पर इस बार जुइंग कुछ भी नहीं करता और कहता है कि मुझे पता चल गया कि ये सब बस एक इल्यूजन है, अगर मैं तुम्हारे हमलों को रियल समझूंगा तो वो सच में रियल बन जाएंगे, पर अगर मैं तुम्हारे इन हमलों में ध्यान ना दूं तो ये बस एक इल्यूजन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब वो लड़की कहती है कि आखिर तुम्हें इस इल्यूजन के बारे में कैसे पता चला। इस पर जुइंग कहता है कि तुमने फोर्थ रैंक के इल्यूजन रियल में की ट्रू मीनिंग का इस्तेमाल किया और वैंग के हमले से मुझे कोई चोट नहीं पहुंची, तब मुझे कुछ शक हुआ, पर तभी तुमने यूजिन की आवाज से मुझे ऐसा दिखाया कि यूजिन मुसीबत में है और उसे मेरी मदद चाहिए, और तब मुझे यकीन हो गया कि ये बस एक इल्यूजन है, क्योंकि यूजिन कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाए वो अपनी मदद के लिए मुझे नहीं बुलाएगी, कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से मुझ पर कोई खतरा आए।
वो लड़की कहती है कि आज तक कोई भी ट्रांसेंडेंट मेरे इल्यूजन रियल में को तोड़ नहीं पाया, पर आज तुमने इसे तोड़कर मुझे गुस्सा दिला दिया। जुइंग सोचता है कि इनके इल्यूजन रियल में की वजह से इनसे लड़ने में मुझे काफी परेशानी होगी, इसलिए मुझे रॉय को मारना होगा, और अगर मैं रॉय को मार देता हूँ तो इन लोगों का मिशन पूरा नहीं होगा, जिसकी वजह से टाइम एंड स्पेस टेम्पल इन दोनों को वैसे ही सजा दे देगा। इसके बाद जुइंग अपने दो क्लोन बनाकर वैंग और उस लड़की से लड़ने के लिए भेज देता है। इस लड़की का नाम हॉन्गवी है और खुद रॉय को मारने के लिए जाने लगता है। वैंग और हॉन्गवी समझ जाते हैं कि जुइंग बस उनका ध्यान भटका रहा है ताकि वो रॉय के पास जाकर उसे मार सके। जुइंग रॉय को मारने वाला होता है, लेकिन तभी हॉन्गवी बीच में आकर जुइंग पर एक अटैक करती है, जिसकी वजह से जुइंग एक वर्ल्ड रियल्म के अंदर आ जाता है। हॉन्गवी कहती है कि जुइंग का इस वर्ल्ड रियल्म से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। यहां जुइंग सोचता है कि जरूर कोई ऐसा रास्ता होगा जिससे मैं बाहर जा सकूं। इसके बाद वो ध्यान लगाने लगता है और कुछ ही देर में जुइंग को इस जगह का एक वीक पॉइंट मिल जाता है। इसके बाद जुइंग उस वीक पॉइंट पर अपनी ट्रू मीनिंग से अटैक करता है और बाहर निकल आता है, और हॉन्गवी कहती है कि इम्पॉसिबल है, जुइंग बिना मेरी मदद के बाहर कैसे आ सकता है। तभी जुइंग हॉन्गवी पर अटैक करता है, पर तभी अचानक से वो एक दूसरे वर्ल्ड रियल्म के अंदर आ जाता है, और ये बिल्कुल एक डायमेंशन की तरह है। जुइंग इस वर्ल्ड रियल्म के अंदर से बाहर की सारी चीजें देख सकता है, लेकिन बाहर के लोग जुइंग के वहाँ पर मौजूद होने के बावजूद भी जुइंग को नहीं देख सकते। जुइंग भी ये देखकर हैरान होता है कि आखिर वो इस वर्ल्ड रियल्म के अंदर कैसे आ गया। रॉय कहता है कि आखिर जुइंग कहाँ गया, क्या वो यहाँ से भाग गया। हॉन्गवी कहती है कि बेवकूफ, जुइंग यहीं पर है, बस हम उसे देख नहीं सकते। वैंग हॉन्गवी से कहता है कि इस जगह पर तो तुमने अपना इल्यूजन लगाया था जिसे तुम कंट्रोल कर रही थी, तो जुइंग अचानक से यहाँ से कैसे गायब हो सकता है। हॉन्गवी कहती है कि जुइंग इस वक्त सेकंड रैंक के वर्ल्ड रियल्म के अंदर है, हम उसे नहीं देख सकते, पर वो हमें देख सकता है, हम सभी को सावधान रहना चाहिए, जुइंग हम पर कहीं से भी अटैक कर सकता है। जुइंग सभी लोगों को वर्ल्ड रियल्म के अंदर से देख रहा था, और इसके बाद रॉय को मारने के लिए बाहर निकलता है, पर तभी वैंग बीच में आकर जुइंग को रोक लेता है। वैंग कहता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर मेरी ट्रू मीनिंग जा चुकी है, और कुछ ही देर में तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और तुम मारे जाओगे। जुइंग कहता है कि मुझे जल्दी से रॉय को मारना होगा, और रॉय को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बीच में वैंग और हॉन्गवी आकर जुइंग को रोकने की कोशिश करते हैं। हॉन्गवी रॉय को अपने वर्ल्ड रियल्म में भेजने का डिसाइड करती है ताकि जुइंग उसे मार न सके। इसके बाद हॉन्गवी रॉय के पीछे आकर उसे एक लात मारती है और उसके आगे एक वर्ल्ड रियल्म खोल देती है। जुइंग भी ये सब देख लेता है और फौरन से अपना क्लोन बनाकर रॉय पर अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन रॉय जुइंग से बचने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वैंग जुइंग पर कई सारे अटैक करता है। जुइंग कहता है कि मैं अभी भी इनको हरा सकता हूं, मुझे बस वर्ल्ड रियल्म को सीखना होगा। जुइंग उस वक्त को याद करता है जब वो वर्ल्ड रियल्म के अंदर गया था, और जुइंग को वर्ल्ड रियल्म के अंदर जाने का रास्ता पता चल जाता है। इसके बाद जुइंग प्रोफाउंड मिस्टिक विंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वैंग के हमलों से बचते हुए वर्ल्ड रियल्म के अंदर आ जाता है। इसके बाद वर्ल्ड रियल्म के अंदर से जुइंग अपने फायर ड्रैगन से अटैक करता है, लेकिन वैंग और हॉन्गवी बच जाते हैं। इसके बाद जुइंग अलग अलग जगह से कई सारे अटैक करता है, लेकिन हर बार वैंग और हॉन्गवी रॉय को बचाने के लिए बीच में आ रहे थे। तभी अचानक से जुइंग वर्ल्ड रियल्म से बाहर निकलता है और रॉय पर अपनी ट्रू मीनिंग की पावर से अटैक करता है। रॉय ये देखकर डर के मारे यहाँ से भागने लगता है। तभी हॉन्गवी रॉय को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। वैंग समझ जाता है अगर ये अटैक हॉन्गवी को लगा तो हॉन्गवी मारी जाएगी, इसलिए वो हॉन्गवी को खुद की जगह बदल लेता है, और जुइंग का स्पेयर वैंग के शरीर को चीरता हुआ सीधा रॉय के सींग को तोड़ देता है और रॉय मारा जाता है। इसे बोलते हैं एक तीर से दो शिकार। अगर ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लेना, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना।